सर चेक पोस्ट। ओ चेक पोस्ट है, इनको जवाब देना तो बहुत मुश्किल है। रोजी मेरी बात सुनो, सर हमें एवलांजी जाना है। यह बहुत ही खतरनाक फॉरेस्ट है, रात के समय जंगली जानवर बाहर आ जाते हैं। अभी तक 100 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। 6 बजे के बाद अलाउड नहीं है, तुम वापस जाओ। सर आई एम कमिंग फ्रॉम बॉम्बे सर, अवलांजी में जो हमारा बंगला है ना रोज गार्डन, हम वहीं जा रहे हैं सर, अलाउ कीजिए ना सर। तुम कोई भी हो कहीं भी जाओ, लेकिन इस समय फॉरेस्ट में नहीं जा सकते, अभी निकलो। सर लेकिन मैंने कहा ना नहीं जा सकते। दीजिए ना सर, चलो दूर से जाओ, जाओ निकलो, चलो जाओ। ये लीजिए सर। ये क्या कर रहे हो, हमें परेशान मत करो। लीजिए ना, मैंने कहा ना जाओ यहां सर, मैं कह रहा हूं ना, रख लीजिए सर। थैंक यू सो मच सर, जाने दीजिए। ठीक है जाने दो इन्हें। हां जाओ। यार पैसे ले लेकर इन्होंने तो मेरी जेब ही खाली कर दी। क्या हुआ ड्राइवर? रोड पे पेड़ गिरा हुआ है सर। अच्छा चल इसे हटा के देखते हैं। हे राहुल बी केयरफुल। हाँ हाँ ठीक है। सर इसे हटाएं? ठीक है हटाओ, एक साइड में रख देते हैं। सही जगह पर आ गए। लेकिन ये गेट बंद क्यों है? गेट पर वॉचमैन नहीं है। गेट पर वॉचमैन होगा ऐसा दादू ने कहा था, लेकिन कहीं दिख नहीं रहा। रोजी तुम आ गई क्या? अरे अंदर कोई है? वॉचमैन अरे गेट खोलो, दिखाई भी नहीं दे रहा है। वॉचमैन वॉचमैन सर वॉचमैन। अरे सुनिए सर। क्यों क्या हुआ? ये क्या उटी के लिए बोला था और भूत बंगले में लेके आए सर? पैसे दे दीजिए मुझे निकलना है। अरे रात को यहीं पर रुककर चले जाना, रहना है मेरे, पैसे दीजिए मुझे निकलना है। तू भी ना यार, रास्ते पे आते समय डेड बॉडी दिखी थी, यहाँ पता नहीं क्या होगा। पैसे दीजिए, ये ले चलता हूँ। वॉचमैन 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 वॉचमैन। रोजी कोई भी आता हुआ दिख नहीं रहा है, गेट फोन के चलते हैं। संभल के आराम से। पता नहीं ये वॉचमैन कहाँ मर गया। वॉचमैन 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 दरवाजा खोलो। वॉचमैन वॉचमैन अरे खोलो यार। यहाँ का मैं ही वॉचमैन हूँ। इतनी देर से दरवाजा खटखटा रहा है, सुनाई नहीं देता? थोड़ी सी पी ली थी इसीलिए अंदर सो गया था। ठीक है आइए चलिए आ जाइए। ये मेरी माँ है, बोल नहीं पाती। जाइए जल्दी से चाबी लेके आइए, जाइए आप भी चलिए चलिए। Wonderful place. Wow. Fantastic. जीना हो तो ऐसे बंगले में जियो। तो ठीक है फॉरेन की ट्रिप कैंसिल करके हम लोग यहीं रुक जाते हैं। हाँ, अगर तुम राजी हो तो मुझे कोई इतराज़ नहीं। बस बस। अगर आप लोगों को कुछ चाहिए तो बुला लीजिएगा। ठीक है अब तुम जाओ। Okay.
इस वक्त तुम्हें देखकर तो मन कर रहा है कि कस के पकड़ लूं। अगर तुम ऐसा करने की सोच रहे हो तो भूल जाओ। This is my room and that is your room. Please go. रोजी। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। मैंने तुझसे कहा ना, जाओ अपने कमरे में जाकर सो। इसे कैसे रास्ते पर लाऊं समझ में नहीं आ रहा है। कौन है इस आधी रात में? दिया कि मेरा दिल ही बैठ गया। सच कह रही है? ये मेरी फ्रेंड दीपा है। हाय। हाय। तुझे देखे कितने साल हो गए। अच्छा सुन, तूने ऐसा क्यों किया? तुझे शॉक देने के लिए। आज 1 अप्रैल है, अप्रैल फूल। तुझे और एक बात बताऊं? उसने ही मुझे ये आइडिया दिया था। वो बाहर खड़ा है। राजा, अंदर आ जाओ। ये है मेरे पति देव, मिस्टर राजा। हेलो। पर आपने ऐसा क्यों किया? बस ऐसा ही थोड़ा सा मजाक कर लिया। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि तुम्हें ये जिंदगी भर याद रहे। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द बेस्ट इम्प्रेशन। मेरी मम्मी राहुल। हाय। ऐसे डरा कि कोई मिलता है क्या? कम ऑन, लेट्स हैव फन। ठीक है, कम राजा। ए राहुल, कॉलेज में इसकी मस्ती संभाल नहीं पाते थे। अच्छा? प्रोफेसर को भी नहीं छोड़ती थी। ए दीपा, मेरे बुलाने पर यहाँ आने के लिए थैंक यू सो मच। अच्छा ये सब छोड़, लेकिन तुमने मुझे बुलाया क्यों? बताना ऐसे क्या जरूरी बात है? फोन पर तुम किसी बंगले की बात कर रही थी, कौन सा बंगला? बताना राहुल, तू तो सब जानता है ना। कुछ नहीं, मैरिज के बाद हम लोग अमेरिका में जाकर शिफ्ट होने वाले हैं। ये रोजी का खानदानी बंगला है, इसी बंगले को जल्दी से बेचना ओ, तो ये बात है। राजा वैसे रियल एस्टेट का ही काम करता है ना राजा? डोंट वरी, जितना जल्दी हो सके मैं इसे बिकवा दूंगा। ओके ओके ओके। इतना बड़ा बंगला है, इसे पूरा देखने में तो 2 दिन लग जाएंगे। आपको जो भी बात करनी है मुझसे बात कीजिए, जाइए। हाय डार्लिंग। ए, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
नाइस। इसी खूबसूरती का मजा ले रही थी। खूबसूरती खूबसूरती को देख रही है। बचपन में इस खूबसूरती का मजा नहीं ले पाई थी, देखने में कितना अच्छा लगता है ना। सही कह रही हो, मैंने भी पहले ऐसी जगह नहीं देखी। मैंने ये जगह कितने सालों तक मिस की। मैं भी जिंदगी में पहली बार ऐसा सब देख रहा हूँ, चारों तरफ बस हरियाली ही हरियाली। हेलो राहुल। हाय राजा। पूरा बंगला ठीक से देख लिया? हाँ, देख लिया, बहुत बढ़िया है। जिसने भी बनवाया बहुत बढ़िया बनवाया है, दिल खोल कर खर्चा किया है, सुपर। राजा अगर जल्दी बिकवा दोगे तो अच्छा रहेगा। हाँ क्यों नहीं, लेकिन क्या है ना कि बंगले पर कहीं कहीं पर डैमेज हो रखा है, इसे अच्छा। ऐसे ही बेचने से अच्छा है थोड़ा मरम्मत करके इसे पेंटिंग करके सही करके बेचेंगे तो अच्छी कीमत मिलेगी हमें। गुड आइडिया, तो ठीक है उसका इंतजाम कर दो। श्योर। ज्यादा देर ना हो राजा, क्योंकि यहाँ ज्यादा रुक नहीं सकते ना, इसलिए कह रहा हूं। ओके। उससे पहले इस बंगले की वैल्यू क्या है वो देखनी होगी हमें। रोजी, इस प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स का नमस्ते। फादर एंथनी राज। हाँ मैं ही। फादर आई एम फ्रॉम मुंबई। आइए अंदर चलिए। तुम्हारे दादाजी और पिताजी ने ये चर्च बनवाने में हमारी बहुत मदद की। तुम्हारे माँ और पिताजी की अचानक डेथ हो गई, उससे मुझे बहुत शौक लगा। आ जाओ, आओ बैठो। हाँ अब बताओ। फादर हम लोग यहाँ किस लिए आए हैं ये? मैं जानता हूँ, तुम्हारे दादाजी ने फोन पे सब बता दिया था। यहाँ का स्टेट बंगला ये बेचने के लिए आई हाँ, है ना? फादर। तुम्हारा नाम है मार्गरेट रोजी, पिताजी का नाम डेविड फ्रांसिस, करेक्ट हाँ, है ना? फादर। तुम्हें मैंने बचपन में देखा था, आज देखो कितनी बड़ी हो गई हो। फादर ही इज माय वुड बी राहुल। नमस्ते। वो मेरी फ्रेंड है दीपा। हेलो फादर। और ये उसके हस्बैंड, इनका नाम राजा है। परमेश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे। ये खानदानी बंगला बेचने के लिए जब तुम्हारे दादाजी ने फोन किया तो ये सुन के मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन समय कैसे बदल जाता है ये भी कहना मुश्किल है। मैं अभी आता हूँ। ये लो बेटी, ये तुम्हारी प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स हैं, इन्हें संभाल के रखना। इसके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो लॉकर में रखे हुए हैं, वो मैं तुम्हें बाद में सौंप दूंगा। God bless you, my child. खुद का ख्याल रखना। अच्छा चलते हैं। ठीक है। Thank you. Thank you, father. राहुल! रोजी, क्या हुआ? राहुल! रोजी, क्या हुआ? अरे बोलो तो, क्या हुआ रोजी? क्या है वहाँ? अरे कहाँ कहाँ पर है? कॉकरोच है। ओह कॉकरोच है। आजा। ए, मैं तुम्हें कस के पकड़ू इसलिए तुम चिल्लाई ना। ए, कुछ भी मत बोलो। क्या कर रहे हो? क्या कर रही हो? राहुल शर्मा क्यों रही है? अरे बाप रे, इसमें आने से तो अच्छा था किसी टैक्सी में आ जाते। दीदी दीदी संभल कर उतरना। दीदी संभल के, तुम हमारे लिए बहुत जरूरी हो। ए, दीदी को बहुत मस्का लगा रहा है क्या? बात नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं। अरे ये क्या कोई लवारी जगह है हर किसी हाँ, को बांटने के लिए? अरे अच्छे तो था, कुछ टूटना नहीं चाहिए। घर के बारे में बोल रहा हूँ। इतना बड़ा घर है, पैसे की बात ठीक से तो की है ना? मटका भर कर देंगे, तू लेके जाएगी क्या? अभी काम शुरू हुआ नहीं, तू पैसे की बात कर रही है? उसी के लिए तो आए हैं ना। ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, इधर उधर की बात किए बिना घर का काम ठीक से करना है। भैया गा के काम करेंगे तो ठीक रहेगा, ऐसा वैसा काम करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। अगर काम नहीं करेगा तो ये तेरा और बड़ा हो जाएगा। अच्छा ये तू कह रहा है? अरे मर्दों का थोबड़ा देख देख के तेरा दिमाग ही सड़ गया है। चार औरतों को मजदूरी पर रखेंगे तो कितना मजा आएगा ना। हाँ जैसे तीन चार महीने तक काम करता रहेगा। और इसे देखो, कोयम्बटूर के कुटिया में रहता है, पड़ोसी की कुतिया को पालता है, को जन्म भी दे दिया इसने। और इसे देखो, ये किसी 20 साल की लड़की से शादी करना चाहता है। 21 साल की? एक साल में कौन सा पड़ेगा? चुप करो तुम दोनों। देखो आज तक जैसे भी रहे हो, लेकिन आज से मैं तुम्हारी टीम में आ गई हूँ। सब ठीक से काम करो, हर काम में सबकी एकता होनी चाहिए, ठीक है? ओके परिवार की एकता। तो मजदूरी देगा ना, उसकी बात कर रहा हूँ। भैया हम ऐसा काम करेंगे तुम्हारा नाम खराब नहीं होगा। तो एक काम कर, मेरा नाम लिखकर एक कमरे के दीवार में चिपका कर वहीं पर बैठ जा। ये ठीक रहेगा।
ओहो अब बकवास बंद करो, चलो अंदर चलते हैं, ओनर से बात करके सब ठीक कर लेते हैं, चलो जल्दी। बुढ़ाओ पहले तू अपनी जुबान पर लगाम लगा। ठीक है लगा ली। पहले तू अपनी जुबान काबू में रख। अरे काबू में कैसे करूँ, काबू में होती ही नहीं है। अच्छा क्या हुआ, इसीलिए तो कहा था पहले एडवांस ले लो। अरे इतने छोटे काम के लिए एडवांस की क्या जरूरत है। मेरी बात सुनो, इस बिल्डिंग की हम मरम्मत करने आए समझे। पहले अपने थोबड़े की तो मरम्मत कर ले। मुझे अपने थोबड़े के बारे में पता है, रोज आईने में देखते तो रहता है। मैं बोल रहा हूँ ना, बाहर निकलो, निकलो यहाँ से। अरे रुकना, हमने भी बहुत हॉरर फिल्में देखी हैं। तो खड़ा क्यों है, यहाँ से बाहर निकल, निकल बाहर। चलो चलो चलते। एक मिनट, इन लोगों को यहाँ मैंने बुलाया है, तुम अंदर जाओ। जाना अंदर जा। हाँ इस रोजा बंगले की यही मालकिन है मिस रोजी। ओह रोजी, मैं भी लाती हूँ। वेलकम वेलकम वेलकम। अरे पंप मारना बंद कर वरना पानी निकल आएगा। अरे तो ठीक है, वहाँ जाकर धो ले। किधर 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 करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ऐसे किया तो बैटरी ही निकाल दूंगी। तुम लोगों को किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं ला कर दे दूंगा। थोड़ा सा एडवांस मिल जाता तो। पागल कहें कि एडवांस में ही अटकी पड़ी है। चुप रहना, तुझे क्या पता एडवांस। एडवांस चाहिए ना, दिला दूंगा। थोड़ा थोड़ा एडवांस सबको मिल जाएगा। रहने की व्यवस्था कर दी है और पेंटिंग का सारा सामान अंदर है। काम आज से ही शुरू कर दो, पैसों की चिंता बिल्कुल मत करना। चलो हो सके तो रूम में एडवांस भिजवा दीजिएगा। जब देखो एडवांस एडवांस करती रहती है। काम इतना है कि कई दिनों तक चलेगा। टाउन के पास ही 40 एकड़ की जमीन है और एक बंगला भी है जो बेचना है। हाँ उसकी सारी डिटेल्स मैंने तुम्हें मेल पर भेज दी है। Yes, और तुम यहाँ एक बार आ जाओ और बंगला देख लो ताकि हमें डील करने में आसानी होगी। ओके जब चाहो आ सकते हो। ठीक है थैंक यू। ए रुकना, बालों में पेना जग गई है। हाय हाय हाय। अच्छा राजा मेरी बात सुनो। क्या बात है, बहुत बिजी है। हाँ, हाँ। खाना बना दिया है, खाना खा लेना, हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। ओके ओके चल चलते हैं। बाय बाय। खा लेना। लो ये भी आ गया। हाय राहुल। हाय। अरे इस वक्त दोनों कहाँ जा रही हो? हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तुम राजा से बात करो। ठीक है बाय बाय। हाय राजा। आओ राहुल। कैसे हो राजा? फाइन। काम कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया। नई अपडेट बताता हूँ। मैंने कुछ क्लाइंटों से बात कर ली है और वो आने वाले हैं। और भी कई क्लाइंट्स हैं जिन्हें मैं अभी भी मेल भेज ही रहा हूँ। उनकी तरफ से रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है। बिल्डिंग का काम अच्छे से चल रहा है, उसकी चिंता मत करो। ओरिजिनलिटी को छेड़े बिना काम हो रहा है। उसके लिए तो पैसों की भी जरूरत होगी। लेबर्स को एडवांस देना है, दोगे तो अच्छा होगा। जल्दी हो जाए तो अच्छा होगा। हाँ हाँ हो जाएगा। फिलहाल के लिए तो ये रख लो। ठीक है कल और पैसे दे दूंगा। ओके रहो। ओके अच्छा बाय बाय। इंसान का जन्म लेने से अच्छा होता कि हम बॉल का जन्म ले लेते। अरे हट। अंकल वो शटल देंगे प्लीज। अंकल कहोगी तो नहीं दूंगा। डार्लिंग कह के बुलाओ ना। सॉरी डार्लिंग। क्यों बुड्ढे, काम करने के लिए कहा तो यहाँ लड़कियों को देखकर अपनी आंखें सेक रहा है। मैं उनको बॉल उठा उठा के दे रहा हूँ। देना बंद कर अब। बॉल उठा कर देना बंद कर। चल चल उठ, बहुत सारे काम पड़े। बच्चे हो तो ठीक है, तुझे बुढ़ापे में ये सब कुछ सूझ रहा है। सॉरी। पेट में आंत नहीं मुंह में दांत नहीं, और लड़कियों से डार्लिंग बुलवा रहा है बेशर्म। चल काम कर। ए पेंट मारने के बदले लाइन मार रहा है। ए मुंह पे पेंट लग रहा है ये भी पता नहीं चल रहा, उल्लू का पट्टा। क्या कहा, मुंह पर? ए दीवार पर पेंट लगाने के बदले मेरे मुंह पर लगा रहा है। अरे दीवार पर लगाना। ए पता नहीं बेवकूफों से यहाँ काम हो पाएगा कि नहीं। चल पेंट कर अच्छे से, तुझे भी तो पेंट की जरूरत है ना। राहुल फादर आ गया। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तुम लोग अच्छे हो ना? रोजी कहाँ है? रोजी रोजी। हाँ आती हूँ। रोजी फादर आए। फादर नमस्ते। मैं जब भी ये घर देखता हूँ पुरानी बातें याद आ रही। बैठिए ना फादर। बैठिए ना। इधर आओ बेटी। ये हैं इस घर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। थैंक यू फादर। पास में एक प्रेयर मीटिंग है, सोचा ये देता हुआ चले। दीपा कॉफी। हाँ अभी लाती हूँ। फादर आप हमारे घर आए, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा ये बंगला बेचने के लिए क्या क्या इंतजाम किया है? फादर कॉफी। अब थैंक यू फादर। बंगले की मरम्मत का काम अच्छे से चल रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द इस बंगले को बिकवा दूँ, और जल्दी बिक जाएगा फादर। तुम्हें जब भी जो भी मदद चाहिए मुझे बोल देना, किसी तरह का संकोच मत करना।
अच्छा तो मैं चलूं। थैंक यू फादर। रोजी मेरी बात सुनकर डरना नहीं है। ऐसी कौन सी बात? बताता हूँ, इस घर में किसी बुरी आत्मा से चलने फिरने की आवाज सुनाई देती है। आत्मा यानी भूत? राहुल तुम डरो मत। ये तो क्या कह रहा है? पहली बार आकर जब हमने इस बंगले के गेट को छुआ ना, उसको ऐसा लगा था कि बंगला हिल रहा है। तुमने महसूस किया था? राहुल जैसा तू कह रहा है मुझे भी ऐसा कुछ कुछ लग रहा है। मत कहते हुए ऐसा बोलने की, तेरा मुंह तोड़ दूंगा। कनेक्शन की बता। ए, रुक रुक रुक, तू इसे इस तरह से मार क्यों रहा है? मैं बताता हूँ, इसने क्या पूछा है बताओ। किधर से ऐसा कहा इसने? रुक जाओ, एक काम करो, तुम जाओ मैं संभालता हूँ। भैया भैया एक मिनट, तुम ये बात किसी और को मत बताना। बता देगा तो क्या बिगड़ जाएगा? तेरी अच्छे से लड़ाई करूंगा तो तेरा गुस्सा निकल जाएगा। ए रुक जा रुक जा रुक, अरे रुक ना भैया। ऐसा क्या हो गया जो तू इसे कुत्ते की तरह पीट रहा है? तुझे पता है? अरे कुछ भी कहा होगा तो क्या तू इसे कुत्ते की तरह पीटेगा? अरे भाई तुझे पता चलेगा कि इसने क्या कहा है तो तू भी मारेगा। अरे ऐसा क्या कह दिया? बाप रे, कम से कम अब तो पूछा। इससे सिर्फ एक ही चीज पूछी। सुबह 6 बजे से इसने मुझे मारना शुरू किया, कुत्ते की तरह बिना सांस लिए बस मुझे ठोके ही जा रहा है। मुझे तो लगा मैं मरने ही वाला हूँ। इतनी बुरी तरह से क्यों मारा? अरे ये कनेक्शन देने के लिए बोल रहा है। तो अच्छी बात है, दे देना। भैया केबल कनेक्शन हो तो दे सकते हैं, वाटर कनेक्शन हो तो दे सकते हैं, इतना ही नहीं गैस कनेक्शन हो तो भी दे सकते हैं। लेकिन मेरी बीवी के साथ ये अपना कनेक्शन जोड़ना चाहता है। कहा कि सिंगल फेस है, थ्री फेस मिलेगा तो अच्छी पावर बनेगी, ऐसा बोलना कुछ गलत है क्या? वो ही गलत नहीं है। ए, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसका पूरा इंटीरियर ही खराब कर दो, पूरा बोनट ही तोड़ दे इसका। तोड़ दूंगा मैं, नहीं दे पाएगा तू। इतनी जल्दी सुबह हो गई। गुड मॉर्निंग। 8 बज गए। क्या 8 बज गए? ओहो मुझे उठाना चाहिए था ना। क्या बात है, आज इतनी देर तक सोई थी? मुझे सोने कहाँ दिया, इसका रोज का नाटक है। ठीक है ठीक है, अब मेरे पास आना फिर बताते हैं। दीपा। दीपा। एक कॉफी मिलेगी? लाती हूँ। इतनी जल्दी कॉफी बना के लेके आई? अरे वाह तुम तो बहुत फास्ट हो। कॉफी का टेस्ट कुछ अलग लग रहा है। राजा क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे भूत देख लिया? नहीं नहीं नहीं, तेरे जैसी एक भूतनी मुझे मार पीट कर चली गई। भूतनी? वो भी मेरी जैसी? इस जनरेशन में सुबह सुबह तुम्हें एक भूतनी मार कर गई? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये लो कॉफी पी लो। कॉफी है? हाँ क्यों, कॉफी ही तो है। रहने दो, अब सीधा नाश्ता ही कर लूंगा, तू जाके तैयार कर, जा जाना। ओके, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं टिफिन तैयार करती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ। इसे कब से क्या हुआ? अरे उसके लिए चुड़ैल की तरह क्यों चिल्ला रही हो? बाप रे, ये तो मरवा देगी।
ये ले, बहुत दुबला हो गया है, अच्छी तरह से खा ले। क्या हुआ, सांभर में मिर्ची ज्यादा है क्या? वो नहीं दीदी। तो मटन नहीं बनाया इसलिए? ये बात नहीं है दीदी। तो क्या बात है, तू रो क्यों रहा है? हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी हम इतनी गरीबी में जी रहे हैं, बस इस बात का दुख है दीदी। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में थोड़ी ना है, ये सब तो भगवान के हाथ में है। दीदी हाँ बोलना। भैया ने तुमको तुम्हारे घर से भगाया था ना, उसने तुझे सब कुछ बता दिया? हाँ सही है, उस वक्त वो मुझे दीदी दीदी कहता था। अच्छा? एक तो मुझे लाइन मारता है, ऊपर से दीदी दीदी कहता है, सोचकर बड़ा अजीब लगा था, लेकिन बाद में तो मुझे इस सब की आदत हो गई थी। दीदी हाँ? मैं भी तो तुम्हें दीदी दीदी बुलाता हूँ ना। हाँ, क्योंकि तुम मुझसे छोटा है ना। मैं भी तो काम करने के लिए ही आया हूँ ना। तुझे और कोई दूसरा काम भी तो नहीं आता? क्यों ना हम दोनों यहाँ से कहीं भाग चले। जरा प्यार से बात क्या कर ली, मुझे भगाने की बात कर रहा है बेशर्म कहीं का। छी, मैं तो पागल हो जाऊंगी। गधा कहीं का भाग, खाने में जहर मिला देती तो अच्छा होता। रोजी रोजी मेरे पास आ जा रोजी, मुझे तुझसे बात करनी है रोजी, मेरे पास आ जा रोजी। इतना अच्छा मौसम है, एक गाना गा के सुनाता हूँ। लग गई ठंडी, घूम जाएगी मुंडी, ठंडी है तो रहने देना, ये भी कोई गाना है क्या? अच्छा मैं गा के सुनाऊँ? ठीक है गा, अभी गाता हूँ। कल की रात जो हुआ, तेरे बाप के साथ कुछ हुआ क्या? तुझे और कोई गाना नहीं आता, सड़ा हुआ गाना गा रहा है। मैं गाता हूँ ना। ठीक है, तू भी गा ले। क्या बात है, की है चांदनी, मेरे चांद में कुछ नहीं है। ये तू क्या गा रहा है, कोई अच्छा सा गाना गाना। अबे क्या हुआ, मुंह से तबला क्यों बजा रहा है? भूत, अरे वहां देखो कहां है चुड़ैल, है चुड़ैल आया है। हम उसकी काली रात अपने शक्ल से हमें डरा रहे है क्या? खींच कर दूंगा ना तो पूरन मासी बन जाएगी। हाँ हमने चुड़ैलों के साथ रात भी गुजारी है, उनसे उल्टियाँ भी करवाई हैं और उनके हाथ में पेमेंट भी रख देते हैं, समझे? अरे हम उस चुड़ैल को देख के डरे हुए हैं और तू क्या उसके सामने एटीट्यूड झाड़ रहा है? अरे क्यों नहीं लग रहा है? अबे जाना, इतने सालों से उसी के साथ तो रह रहा हूँ। चुड़ैल के साथ परिवार गुजार रहा है और क्या, अपनी बीवी को बोल रहा हूँ। सही कहा छोटी उम्र में बहुत सुंदर रही होगी, उस समय फिल्मी हीरोइन जैसी दिखती होगी। सही कहा, सही कहा। हाय राहुल, ड्राइविंग में मजा आया कि नहीं? बहुत ही सॉलिड रहा, चलाते समय तो एकदम थ्रिलिंग था। मुझे पता था तुम जीत। ओ अच्छा ये बात है, ओके हो गया क्या, कंफर्म हो गया? हाँ हो गया। ओके दादू, क्या कैसा लगा? सुपर्ब। ओके ठीक है बेटा, बाय, लव यू। Hey, you know what? मुझे दद्दू का फोन आया था। अब्रॉड जाने की डेट कंफर्म हो गई है। राजा सुना तुमने? अब्रॉड जाने की हमारी डेट कंफर्म हो चुकी है। सच में? इसलिए बहुत ही कम दिन बचे हैं राजा। अगर ये बंगला जितनी जल्दी हो सके बिक जाएगा तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। ए राजा, तुमने कहा था ना इसके लिए एक ऑक्शन का आयोजन कर रहे हो, उसके बारे में बताओ ना। अच्छा हुआ तुमने याद दिलाया। राहुल हमारे बंगले का काम चालू रहने दो, लेकिन उससे पहले बड़े बड़े वीआईपीस को हम अपने बंगले पर बुलाकर और उनके लिए एक छोटी सी पार्टी अरेंज करेंगे, तो उन सभी को एक साथ बंगला भी देखने को मिल जाएगा। जिसे बंगला पसंद आएगा उससे एडवांस ले लेंगे और उसे वो बंगला भेज देंगे। उसके लिए बस थोड़ा सा खर्चा होगा। खर्चे की चिंता मत करो, तुम बस उसका इंतजाम करो। क्यों सही कराऊं ना? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता नहीं कहां जाके मर गए, कुछ पता नहीं। अरे दीदी दीदी दीदी, हम दोनों बहुत बोर हो रहे हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? दो मटके ले जाओ और पानी भर कर ले आओ। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है, कहीं जा भी नहीं सकते। ठीक है तो अंदर बैठ कर टीवी देखो ना। पर कोई चैनल भी नहीं आ रहा है। अरे बाप रे, तुम चाहती हो कि तुम्हारा मूड एकदम मस्त हो जाए, बस हाँ, नहीं ना। हाँ, हाँ। मालकिन को खुश नहीं करेंगे तो और किसको करेंगे? तुम्हें चैनल देखना है ना? हाँ, एक नहीं चार चार चैनल दिखाऊंगी, वो भी एकदम वैरायटी के साथ। ये लोग तू कहाँ जा रहा है?
चल आजा आजा, आज काम की छुट्टी छुट्टी। बाकी के लोग कहाँ गए? ए आजा आजा आजा, मेरी बात सुनो। मालकिन बोर हो रही है, तुम सबको मिलकर इनके लिए एंटरटेनमेंट करना है, ठीक है? क्यों रे, उनका एंटरटेनमेंट करने के लिए हम क्या मदारी वाले हैं? ओहो, पैसे देने वाली यही है, तू करना तेरा क्या जाता है, चुपचाप कर। तो फिर चलो शुरू। भैया एक काम करो, तुम स्टार्ट करो। ठीक है, मैं ही करता हूँ। हाँ स्टार्ट करो। हाँ, आज मैं बताने जा रहा हूँ देसी मुर्गे की बिरयानी बनाते कैसे हैं। मुर्गा कौन से देश का है भाई? अपने ही देश। अच्छा, का है भाई। अच्छा, तब तो जय हिंद बोलेगा, कुकड़ू को नहीं करेगा, क्योंकि अपने देश का है ना। मुर्गे को लेकर अच्छे से काट कर चूल्हे पर मसाले को भून कर मुर्गे के जो टुकड़े है ना, उसे बिरयानी के डेगचे में डालकर अच्छी तरह से पका, और एक घंटे के बाद चिकन का एक पीस लेकर मुंह में ऐसे काटे। मुर्गे ने तुमने बहुत बढ़िया किया। अच्छा अच्छा, कौन आ रहा है? सत्या तू आजा। ये क्या कर रहा है, अजीब सा लग रहा है। इसका चैनल बंद कर, बंद कर जल्दी से। लड़कियों के सामने ये सब क्या कर रहा है उल्लू का पट्टा, चल हट। तू अकेला परफॉर्मेंस मत कर, एक काम कर, तुम दोनों मिलकर करो। चलो अच्छा, तो मैं शुरू करूँ, तू गाना गा और मैं सिर्फ डायलॉग बोलूंगा, ठीक है? गाना अच्छा गाना, फालतू का गाना गाया ना तो चप्पल पड़ेगी। ये छींक, ए उधर जाके छींकना। ये गाना आपको पसंद आएगा मैडम। कान्हा मेरी साड़ी में कुछ तो हुआ है। क्यों हुआ? गंध करने के लिए। अबे ये भी कोई गाना है क्या? साड़ी में कुछ हो गया है। अब और कुछ गाएगा क्या? नया गाना गाऊंगा, सबको पसंद आएगा। अबे तो गाना। बली 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 खलबली। ये खलबली कहाँ मची है? वैसे खलबली नहीं, खलबली में हमारी बलि देगा क्या? देखो देखो देखो, सब हंस रहे हैं। बहुत हो गया, तू चुप रहना भाई। हाँ मनु, अब तू आजा। वेलकम बैक। ये है कि वो है आज की खबर, औरतों को कौन परेशान करता है, साधु संत या उसकी सास? ये लो सास के बारे में तुम बताओ। हाँ तो बताओ, जरा हटना। अरे वहां का बैठा है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। वो दरअसल, सुपर सुपर, ठीक है ठीक है, उन्हें दो उन्हें दो उन्हें दो। उस लड़की ने अभी तक कुछ बोला ही नहीं। बोला ना, बोला ना, बहुत बढ़िया, तुम कंटिन्यू करो। दरअसल पिछले हफ्ते, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वाह वाह। अरे मैंने कुछ बोला, अरे ही नहीं। बोला ना, बहुत बढ़िया बोला। अब वो माइक जरा उसको देना। हाँ, तो तुम साधु संत के बारे में बताओ। वो ये है कि एक्सीलेंट, क्या बोला है आपने, सुपर। साधु संतों के बारे में आप बहुत जानते हैं। अरे कुछ बात क्यों नहीं बढ़ रहा है, कुछ बोलने तो दे। संत कभी बोलता नहीं है, वो सिर्फ पूजा करता है। ए पहले वो माइक मुझे दे। लो ठीक है, तुम ही बताओ। ए तेरा ये प्रोग्राम बहुत हो गया, अब चुपचाप जाके बैठ जा। अरे बाप रे, इस डेढ़ पसली का एक्शन तो देखो, ये क्या कर रहा है? ये क्या, जैसे कंगारू टॉयलेट जा रहा हो। चल निकल यहाँ से, निकल। ये ऐसे घूर घूर के क्या देख रहा है सबको? पता नहीं क्या कर रहा है। ए क्या कर रहा है ये? मेरी बीवी है। ए बस बस बस, निकल जाएगी, चला जा सकता है, सब डर गए। हाँ ठीक है, परफॉर्मेंस तो ओके है, तूने जो किया वो ठीक है, लेकिन लड़कियों को थोड़ा और हंसाओ। अरे सर सर, सर आ रहे हैं, लगता है सर भी कुछ परफॉर्मेंस करेंगे। सर आप क्या करने वाले हैं? सर कौन मैं? एक्शन करूंगा। क्यों रे, तुम लोगों में दिमाग है या नहीं? घर का सारा काम छोड़कर यहाँ बैठकर धमाल मचा रहे हो। चुपचाप बाहर जाकर अपना अपना काम करो। ए, जाओ ना, खड़े खड़े देख क्या रहे, जाओ और अपना अपना काम करो, जाओ। मैंने पहले ही कहा था ना, फिर से सोच लो दीदी। मैंने सोच लिया है, आज दिखाऊंगी उसे। वही तो मैं भी इतने दिनों से कह रहा हूँ ना दीदी। बेवकूफ है। हाय, सक्सेस। राहुल, अब तुम्हारा टेंशन दूर होने वाला है। क्या कह रहे हो राजा, बहुत ही खुश लग रहे हो। और नहीं तो क्या, पार्टी का बहुत अच्छे से इंतजाम कर दिया है। बाय द वे, कुछ खास गेस्ट है जिनसे मैंने सीधी बात कर ली है। तब तो अब ये बंगलो बेचने का जो फंक्शन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से। बिल्कुल सही, देखना जो कीमत मैंने बोली है उससे ज्यादा ही पैसे मिलेंगे। इसीलिए तो ये काम मैंने तुम्हें सौंपा है। थैंक यू। लेकिन ये जो खुशखबरी है, ये फौरन जाकर रोजी को बतानी होगी, लेकिन वो दिख नहीं रही। अब क्या बताऊं राजा, सुबह से मुझे कॉफी तक नहीं मिली है। वो किचन में ऐसा क्या कर रही है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। अच्छा तो ठीक है, मैं जाके देखता हूँ। क्या हुआ, तेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है? ये लोग ये बंगला बेच के चले जाएंगे और तू और मैं, हम लोग सड़क पे आ जाएं। हाँ।
इस बंगले को बेचने वाले को नहीं छोड़ूंगा और खरीदने वाले को भी। मैं यहाँ किसी को रहने नहीं दूंगा। अरे वहाँ आईने में अपना थोबड़ा क्या देख रहा है? काम कर, काम कर। चल आजा आजा, गरम गरम खाना खाना, तब जाके खाना पेट को लगेगा। क्या बात है? जरा एक मिनट, यहाँ ये क्या? हमारा तो खाना भी पक गया और तू अभी तक सब्जी काट रही है। तू यहाँ बैठ गई तो मेरा खाना तो हो गया। दीदी तुमने जो सब्जी बनाई है ना, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। क्यों देख लिया ना? दीदी तुम्हारा पति हमेशा तुम्हारे पल्लू से बंधा रहता है, ऐसा कौन सा जादू किया है तुमने? अरे बताती हूँ। अरे तू जा ना, खाना खाने, खाना ठंडा हो जाएगा। हम लोग लेडीज बात कर रही है ना, लड़की देखी नहीं कि वहीं रुक जाता है। दीदी बताओ, सुनो सुनो, सब खाना बनाने में है। ये बात है, औरत खाना अच्छा बनाए और आदमी पल्लू से बंधा न रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और खाने में खास करके ये जो चिकन और मटन है ना, और खास करके बकरे के पाए, उसे अच्छे से भून कर बढ़िया से पकाओगे ना, आदमी बकरे की तरह तेरे चारों तरफ घूमता रहेगा। ये बात है। एक भीजा फ्राई सरगवे की 20 फलियों के बराबर है। ये बात ना हमारे देश के बहुत से लोगों को पता नहीं है। मैंने तुझे बता दिया, ये बात अपने दिल में बसा के रखना। थैंक यू दीदी। और देसी मुर्गा होता है ना, देसी मुर्गा, उसे काट कर चमड़ा निकाल कर टुकड़े करके जब मसाले में भूनोगी ना, और कुकर में से जो खुशबू आएगी ना, उसके बाद देखना, और उसके साथ में केकड़े का सूप, बस फिर क्या, राजा साहब तुझे छोड़ेंगे ही नहीं। देखना रिजल्ट एक ही दिन में आ जाएगा। शादी के लायक एक लड़की और उसके सामने हम ऐसी बातें कर रहे हैं, मुझे तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। आज भी मैंने अपने घर पे भेजा फ्राई बनाया है। शर्मा के जरिए देखो दीदी। हाँ? मेरी भी एक हेल्प करो ना, लवर को इम्प्रेस करने का कौन सा रास्ता है? अरे उसके लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं। लवर को बस देखने जैसा देखना है, लेकिन देखना नहीं। बात करने जैसा लगे, लेकिन बात मत करना। लव करने जैसा लगे, लेकिन करना नहीं। कैसा लगा? और उसको ऐसा लगना चाहिए कि तुम कुछ पूछना चाहती हो, लेकिन पूछना मत, समझी? लव का एक्सपर्ट शाहरुख खान के बाद इसी का नंबर आता है। तूने क्या लव में पीएचडी किया जो बता रही है? अरे बच्ची को थोड़ा सा लव का आइडिया देना। अच्छा ये बात है, अभी देता हूँ। अरे जो भी बताना है बता, लेकिन यहीं से बता। हाँ, अभी तक दूर से ही तो बताता आया हूँ। ये सब भेजा फ्राई का नतीजा है। सही कहा। दरअसल अपने लवर को देखकर एक ही दिन में उसका अंडरवियर खींच लेना, सॉरी 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 सॉरी, उसका एंड्रॉइड खींच लेना, क्योंकि उसका ध्यान दिन भर फेसबुक व्हाट्सएप पे लगा रहता है ना। सही कहा, वो बंद कर देना, ठीक है? लव जो है वो पब्लिक टॉयलेट की तरह होता है, क्योंकि उसमें हर कोई अंदर जाने की सोचता है और अंदर जाते ही बाहर आने की सोचता है। तो क्या करना चाहिए? फिनाइल डाल के धोना चाहिए। किसे? टॉयलेट? नहीं तेरे मुंह को। क्यों मेरे मुंह से बदबू आ रही है? अरे बच्ची पूछ रही है, कोई अच्छा सा आइडिया देना। अरे तुम लड़कियों के सामने हम लड़कों की क्या हैसियत? ऐसा कोई लड़का नहीं जो लड़की पर ना मरे, और ऐसी कोई बिल्ली नहीं जो मच्छी पर ना मरे। तो क्या करना चाहिए? उन्हें कसकर पकड़ना चाहिए, तितलियों की तरह हल्का ढीला किया तो फुर से उड़ जाते हैं, और दबा दिया तो मर जाएंगे। तो हल्के से पकड़ना। सही कहा, ठीक है ना? और कभी भी अपनी लिमिट से बाहर मत जाना, लिमिट से बाहर गई तो उल्टी आ जाएगी। मेरा तो यही सुझाव है। सारे लवर्स मेरी एक बात सुन लो, लव गौ दोनों एक जैसे होते हैं। गौ दूध देती है और लव भी देता है, ये याद रखना। इसे कैसे पटाया पता है? बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े। लंबी कहानी है। सही कहा। दिया लेकर यहाँ आती है, और ये अंगूठी कैसी? ये इसकी पूजा क्यों करती है? अंगूठी तो काफी मॉडर्न लगती है। सबको इनवाइट तो किया है ना?
हाँ मैंने सभी को इनवाइट किया है। हाय राहुल, तुम्हारा अच्छा सारे अरेंजमेंट्स ठीक से हो गए ना? सब कुछ ओके हो गया है? सारे लोग आ रहे हैं ना? हाँ हाँ, कुछ सब आने ही वाले हैं। चलो तब तो बढ़िया है। दीपा सबका ख्याल। हाँ हाँ ठीक है। हाय दीपा। हाय, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ राजा, शी इज माय फ्रेंड। बहुत अच्छा डांस करती है। सच में? मेरे कुछ फ्रेंड्स भी साथ में हैं। ओ तो बुलाओ ना। आ जाओ सब लोग, आओ। हाय, आप लोग चलिए। हेलो, देखो इंतजाम तो हो गया है। और अरे वाह डेल सर, नमस्ते, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। नमस्ते नमस्ते, बगले की यही ओनर है। बहुत बढ़िया, चलिए एंजॉय कीजिए। आओ तंगराज, ये राहुल से मिलिए, यही ओनर है, आप बैठिए। जब एंजॉय कीजिए, आइए। राहुल ये बताओ रोजी कैसी है? राजा पता नहीं उसे क्या हो गया, लेकिन आज उसे बहुत हैवी फीवर हो गया है। वो यहाँ नहीं है, इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। अब तबीयत ठीक है ना? हाँ तबीयत तो ठीक है, बस रेस्ट करने के लिए कहा है। राजा हाँ। तुम यहाँ लोगों को संभालना, मैं जरा अंदर देखता हूँ। ओके राहुल, तुम जाओ। अच्छा इसमें कितने हैं जरा काउंट करना। राहुल सेठ जी तुमसे कुछ बात करना। हेलो राहुल। हेलो सर, तुम्हारा बंगला अच्छे से देखा, बहुत ही बढ़िया है। अगर जीना हो तो ऐसे ही बंगले में जीना चाहिए, ऐसा मेरा सपना था। और इसीलिए ये लो ब्लैंकेट, अमाउंट फिल कर दो। नहीं नहीं, आज सिर्फ पार्टी रखी गई है, बिजनेस के बाद हम कल करेंगे। राहुल जब भी बेचना हो तो ये बंगला मुझे ही बेचना। हाँ ठीक है ठीक है, राहुल मैं इन्हें छोड़कर आता हूँ। हाँ हाँ सर, बाय सर, बाय। एडवांस ले सकते थे ना? रोजी के बिना कैसे दीपा? माचिस नहीं मिल रही। ए गुरुस्वामी, माचिस है क्या? अबे तो दुनिया पे बोझ क्यों बना है भैया, माचिस है? अबे मालिक से माचिस मांग रहा है, इतना बड़ा आदमी बन गया। मालिक मजदूर ऐसा कोई फर्क नहीं होता, कोई भी फूकेगा धुआं तो एक ही निकलेगा। अरे यहाँ से जल्दी काम खत्म करके हम लोगों को निकलना है, ऐसे फूकता रहा ना तो तू भी धुएं में उड़ जाएगा। यू आर राइट, यू आर राइट। हां ये कैसे हो गया? ये क्या भैया, फूंका मैंने धुआं आपके मुंह से? हाँ वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जादू मत दिखाओ। अबे तू धुआं मेरे मुंह से क्यों छोड़ रहा है? आपके मुंह से क्यों छोड़ूंगा, मैं तो अपने ही मुंह से छोड़ूंगा ना भैया, क्या बोल रहे हो आप? अपना मुंह तुझे भाड़े पे दिया है क्या धुआं निकालने के लिए? क्या पता भाड़े पे दिया भी हो। ठीक है फिर से निकाल। ठीक है लो। ए क्या कर रहा है? तुझे ये आदत कब से लग गई? हाँ बस इसी की कमी थी, ये भी शुरू कर दिया। बीड़ी ये पी रहा है लेकिन धुआं मेरे मुंह से निकल रहा है। हाँ निकलेगा निकलेगा, वो पी रहा है तो तेरे मुंह से कैसे निकलेगा? तो लोग किसे बनाने की सोच रहा है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है तेरे मुंह से धुआं निकलते हुए। दीदी बीड़ी कैसे निकलेगा? भैया के मुंह से धुआं निकल रहा है। निकाल के दिखाना, मैं भी देखना चाहती हूँ। कैसे धुआं निकलता है मैं भी देखती हूँ। बड़ा आया। ये क्या, तेरे मुंह से भी धुआं निकल रहा है? ये क्या हो रहा है, धुआं मेरे मुंह से निकल रहा है? ये सब कैसे हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं। अरे भगवान कैसे हो रहा है ये सब, कैसे हो रहा है? दो तीन दिनों से घर में अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। तू खींच फिर से देख ले, तू इसे देख। ये कोई कंपटीशन है क्या? किया था तू पी के दिखाना। अरे इसकी शादी होने पर कहीं बच्चा। अरे बाप रे, ये क्या बोल रहे हो? ला दे मैं भी खींच कर देखता हूँ। लो जल्दी से काम खत्म करके यहाँ से खिसक लेते हैं। चोरी मरते समय भी तुझे पैसे याद आ रहे हैं, लगता है तू तो अर्थी पर लुटाते हैं, वो पैसे भी ले लेगी। जल्दी निकलने। तो अब क्या करना है? ये यहाँ रख। तो इसे यहाँ रखती हूँ। अब तुम चलो। राजा यहाँ पर चेक। हाय राहुल। अरे क्या हुआ, फंक्शन के अगले दिन सेठ से एडवांस ले लेंगे ऐसा तुमने कहा था। फंक्शन खत्म हुए 10 दिन हो चुके हैं,
ना वो आया ना उसका फोन आया। तुम क्या कर रहे हो राजा? हमारा फंक्शन खत्म होने के बाद रामचंद्र सेठ को मैंने कितनी बार फोन किया पर आज तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है मुझे। सोचा कि सीधा जाकर उनको मिल लेता ऑफिस में, मगर वहाँ के लोगों को भी पता नहीं कि वो कहाँ है। अब बताओ मैं क्या करूँ राहुल। राजा अच्छा मुझे एक बात बताओ, फंक्शन में जितने भी लोग आए थे क्या वो सच में बायर्स थे या तुमने उन्हें खुद सेटअप करके यहाँ पर बुलाया था? राहुल से बात करना। ये मीडिएटर्स ऐसे ही होते हैं, पैसों के लिए कुछ भी कर देते हैं। राहुल जबान संभाल के बात करो, मैं अपनी फ्रेंड रोजी के लिए यहाँ आई हूँ, हमारे पास भी पैसे हैं। अच्छा फ्रॉड करके जो कमाया उसे तुम पैसा देखो। राहुल दोबारा ऐसी बात मत करना नहीं तो मैं खुद भी कर सकता हूँ। क्या करेगा तू? राहुल देखो राहुल तुम गलती कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ हाथ छोड़ो, मैं कह रहा हूँ छोड़ दो मुझे। अरे राहुल छोड़ छोड़ राहुल तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पे हाथ उठाया, छोड़ोगे नहीं मैं तुझे। समझ कर दिमाग घूम गया है, पूरा चला से पैदल है। उसके जैसा क्यों कर रहे हो? उसका घर नहीं बिक रहा है, उस टेंशन में वो ऐसा कर रहा है, तुम क्यों बेकार में झगड़ा कर रहे हो? ए झगड़ा मैंने कहाँ शुरू किया? ये घर बेचने के लिए मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें तो पता ही है ना, उसके बाद भी वो मुझ पे शक कर रहा है। रहने दो उसका बंगला वो खुद बेचे, चल हम यहाँ से चलते हैं। चल राजा राजा प्लीज प्लीज कम से कम मेरी बात तो सुन लो, रोजी का यहाँ पर कोई नहीं है, वो हमारे भरोसे ही तो यहाँ पर आई है, प्लीज मेरी खातिर तो उसकी हेल्प कर दो। दीपा मैं तुझे एक बात बताने जा रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना, राहुल पहले की तरह नहीं रहा, उसका बात करने का तरीका उसकी स्टाइल सब कुछ बदल गया है। ये तुम क्या कह रहे हो? लगता है कि वो खुद नहीं चाहता कि ये घर बिके। मगर राहुल ऐसा क्यों सोचेगा? यही तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं 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 तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है मेरी फ्रेंड के लिए, कम से कम एक बार और ट्राई करो ना। देखो तुम ज्यादा सोचो मत, चलो। क्यों राहुल, वो तो हमारी मदद कर रहा है ना, तो तुमने ऐसा क्यों किया? What do you think? बंगला बेचना इतना आसान नहीं है, जब देखो उस पर शक करते रहते हो। हाँ रोजी मैं भी समझ सकता हूँ, मैंने बेकार में उस पर इतना गुस्सा किया, कुछ दिनों से मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ, मैं बदल जाऊंगा, आई प्रॉमिस। तुम फील मत करो, आओ। ऊटी की ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है। ओए माँ, छे ये यहाँ किसने रख दिया? मर्द लोग सारे अंदर दारू पी रहे हैं, मुझे तो इस स्वेटर में भी ठंड लग रही है, यहाँ आग जलानी होगी। माचिस कहाँ रखी है? छे बीड़ी पीने के चक्कर में माचिस भी नहीं छोड़ते। ए माचिस किसने लिया है? माचिस जब संभाल के रहे। भूत भाग गया होगा, भूत भूत खिला रहे वहाँ तो। अरे यहीं पर है, देखो। ये कुछ दिखाई दे रहा है क्या? भैया दीदी से पूछने के बजाय आप मुझे क्यों पूछ रहे हो? यहाँ क्या दिख रहा है? आग जलती हुई दिखाई दे रही है। देखो मैं अपना हाथ घुमा के देखता हूँ, अभी अभी पैर घुमा के देखता हूँ। क्या कर रहा है तू? दिख रहा है? मैं भी तो वही कह रहा हूँ। पर जाए कांचना फिल्म रात में मत देखा करो, वहाँ पे भूत देख के तुम यहाँ पे चिल्ला रही हो। अरे भूत है, सच में ओरिजिनल भूत है, सच में भूत है। अरे ये तेरा वहम है, तो थोड़ी शांत हो जाना। अरे वहम भी नहीं है, सहम भी नहीं है, सच मुझ का भूत है, देखो। अरे आगे मत जा, भूत डर जाएगा। सबसे पहले दीदी को अच्छे डॉक्टर के पास। उल्लू का पट्टा। अरे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए क्या बोल रहा है? एक बार पहले मैं लेकर गया था, डॉक्टर देखते ही घबरा गया। ये दो तीन दिन से ऐसे ही कर रही है, इसके सिर पर से तीन बार नींबू घुमा कर नीम के पत्ते इसके सिर पर मारेंगे ना। रात में सोते समय माँ दुर्गा का फोटो अपने पास रखा, बहुत हो गया। देखो भूत वहाँ से गायब हो गया है। मैं कब से देख रहा हूँ वहाँ पर कुछ भी नहीं है, और तू है कि भूत है बोलकर चिल्लाया जा रही है, चिल्लाया जा रही है। तब वो यहाँ था लेकिन अब नहीं है। अरे दो हफ्ते से मैं भी घर पर नहीं था, अब चल 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 अब चल कर सोते हैं। Hey!
ऐसा क्यों किया? चल जा यहाँ से। तुमने ऐसा क्यों किया? तुझे पता है मैं कितना डर गई थी? मुझे पहले से पता था कि तुम यहाँ सोने के लिए आओगी, इसलिए मैं पहले ही यहाँ आकर छुप गया। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? बहुत डर गई क्या? अरे इस बंगले में पता नहीं क्या हो रहा है, ये सोचकर मैं यहाँ रिलैक्स करने के लिए आई और तूने मुझे डरा दिया। सॉरी सॉरी, देखो रो मत यार। हे कूल कूल, गुस्सा मत करो रोजी। हे रोजी रोजी, जा यहाँ से। हाय रोजी। तुम यहाँ कहाँ से आ रहे? अभी अभी तो पानी के अंदर था ना। अरे मैं पानी के अंदर कब गया, मैं तो अभी अभी आ रहा हूँ। नहीं नहीं तू, नहीं नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है। रुको ना, क्या हुआ है तुम्हें? मुझे क्या हुआ मैं खुद नहीं जानती, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है राहुल। अच्छा ठीक है, और सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें दो तीन दिन से देख रहा हूँ, कुछ बदली सी लग रही हो, ऐसा क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। राजा, इस घर के बारे में तुम क्या सोचते हो? ऐसा क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, दो दिन पहले तुम और राहुल बाहर चले गए थे ना। हाँ। और रोजी भी चर्च चली गई। हाँ। थी तभी। दीपा, उस दिन जब तुमने मुझे कॉफी लाकर दी थी ना, और तुमने मुझसे पूछा था कोई भूत देख लिया क्या, याद है? हाँ याद है, तुमने मुझसे कहा था तुम्हें भूतनी ने मारा है। हाँ दीपा, मुझे भूत नहीं मारा था। हाँ? मैंने सोचा तुम्हें बताऊंगा तो तुम डर जाओगी, इसीलिए नहीं बताया। लेकिन अब एक बात कहता हूँ, बिल्कुल डरना मत। इस घर में कोई भूत है जो हमें डरा रहा है। राजा, मैंने तुम्हें अभी कहा था ना कि डरना नहीं। दीपा, ये बंगला बीके या ना बीके, हम अपने घर चले जाते, यहाँ रहना ठीक नहीं है। दीपा, तुम अभी तक बात को समझी नहीं हो। ये बंगला अगर बिका तो बहुत अच्छा कमीशन मिलेगा। तुम बेकार में चिंता मत करो, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। तुम यहाँ हिम्मत से रहो, मुझे एक छोटा सा काम है, वो करके मैं वापस आता हूँ। मैं भी साथ में चलती हूँ, मुझे यहाँ डर लगता है। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकती हो, डरो मत। जाओ और हिम्मत से काम लो, कुछ नहीं होगा, मैं जल्दी ही आ जाऊँगा। ओके। ए ज्योति, ज्योति, अरे जल्दी उठना। अरे मुझे नींद आ रही है। ये तो घोड़े बेचकर सो रही है। ए ज्योति, ज्योति उठना। अरे मुझे नींद आ रही है, तू क्यों जगा रहा है? अच्छा ठीक है, बाद में नींद की गोलियां खाकर सो जाना। मुझे पहले से ही नींद आ रही है, तो गोलियां खाने की बात कर रहा है पागल। अरे वो चारों लंगूर भी उठ जाएंगे, मैंने उन चारों लंगूरों को एक पूरा खंभा पिलाकर सुला दिया है। अरे ऊपर वाले ने ऐसा सोने के लिए रात बनाई है क्या? तू तो मेरी जाने मन है ना, तू मेरी डार्लिंग है ना। ओहो मेरी रसभरी, ओहो इसने तो बोलना भी बंद कर दिया। ज्योति, अच्छा चल एक काम कर, 30 डिग्री तो घूम। इसे क्या हो गया? ज्योति, ज्योति, ये क्या? ज्योति अभी तक शुरुआत नहीं हुई और तुम इस तरह लंबी सांसें ले रही है, तुम उससे शर्मा रही है? अरे ये कोई हमारी पहली रात थोड़ी है जो तू शर्मा रही है, जरा मेरी तरफ चेहरा तो घुमा। आज फर्स्ट नाइट नहीं है रे, आज तेरी लास्ट नाइट है। ये तू क्या कह रही है ज्योति? ज्योति, क्या हो गया तुझे? चेहरे पर लाल रंग लगा है, रंग साफ नहीं किया? क्या मैंने रंग साफ नहीं किया? एक तो मार मार कर मेरा चेहरा लाल कर दिया, ऊपर से बोलती रंग साफ नहीं किया। क्या तुझे इस तरह से किसने मारा कि पूरी तरह से तेरा चेहरा लाल कर दिया? ये कैसी हरकत कर रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं
मारा। मजे करने के लिए ये क्या कोई गेस्ट हाउस है? गोस्ट हाउस है। इसकी मरम्मत कराने से बेचने के लिए आया है। उसने इससे पहले यहाँ कोई दिखाई नहीं देना चाहिए। मर गया रे। यूरे क्या हुआ? ऐसे क्यों कर रहा है जैसे किसी चुड़ैल ने मारा हो? अरे बस बहुत हो गया। अरे पर क्या हुआ? क्यों डर रहा है इस तरह से? क्या हो गया? अरे भाग के कहाँ जा रहा है? भाग मत, भाग मत। यहाँ पर सब लोगों का मुखिया तू है ना? मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाली। राजा। हाँ बोलो राहुल। अच्छा काम कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। क्या बढ़िया चल रहा है? कुछ करने की जरूरत नहीं है, काम रुकवा दो। ये क्या राहुल, क्या बोल रहे हो? सारा काम जल्दी ही खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा काम ही बचा हुआ है, वो भी जल्दी से ही खत्म हो जाएगा। साहब जी, साहब जी। अरे क्या हुआ तुम लोगों को? अब इस घर में हम एक मिनट के लिए भी नहीं रुकेंगे साहब। इस घर में भूत है साहब। भूत है? ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने अपने पति के ऊपर आज तक कभी हाथ नहीं उठाया साहब जी। मेरे शरीर के अंदर कोई भूत घुस गया और मेरे पति को बहुत मारा साहब। देखिए सर, मैं घर में सो रहा था, आँख खोल के देखा तो पेड़ पे उल्टा लटक रहा था। सर, जब भी मैं शीशे में अपने आप को देखता हूँ तो मुझे भूत की शक्ल दिखाई देती है। दीवार में अगर कील लगाऊं तो उसमें से खून निकल रहा है। वो बीड़ी पिए तो इसके मुंह से धुआं निकलता है। देखिए साहब, आपने देखा था ना साहब, जब हम यहाँ आए थे तो ऑडियो वीडियो के साथ आए थे। अब सिर्फ वीडियो है, ऑडियो गायब हो गया। दो दिन में यहाँ का काम खत्म ही हो जाएगा। फिर चलेंगे। अगर 10 मिनट भी रुके तो भूत हमारा भूत भी जाएगा। चलो चलो यहाँ से निकलते हैं। चलो सब लोग, चलो। तुम्हारा जो बिल है वो तो लेके जाओ। क्या बिल? ये भूत हमारी जान लेने पर तुलाए और तुम्हें बिल की पड़ी है? बड़ा आया बिल वाला, जान बचे तो लाखों कमा लेंगे। चलो चलो जल्दी से यहाँ से निकल सकते हैं। बेटी क्या हुआ? फादर, हमारे बंगले में पता नहीं क्या क्या हो रहा है फादर। बंगले में 2 दिन खून भी हो गए हैं फादर। उस बंगले में हम चैन से सो भी नहीं पा रहे हैं फादर। प्लीज हेल्प मी फादर, प्लीज कम। फादर, रोजी मेरे साथ आ जा, मेरे साथ आ जा, मुझसे दूर होकर कहीं मत जा। ऐसी एक आवाज़ मुझे हमेशा सुनाई देती है, ये ऐसा मुझे बताकर हमेशा रोती रहती है। सिर्फ इतना ही नहीं फादर, एक दिन जब मैं बंगले में अकेली थी किसी ने आकर मेरी गर्दन दबा दी, लेकिन मैं उसे देख नहीं पाई फादर। उस बंगले में आखिर ऐसा क्या है? हमें बहुत डर लग रहा है। रोजी, फादर, तुमने कहा कि तुमने कोई आवाज़ सुनी। हाँ। वो कोई जानी पहचानी आवाज़ थी क्या? हाँ फादर, लेकिन वो किसकी आवाज़ हो सकती है ये मैं ठीक से जज नहीं कर पा रही हूँ। उस बंगले को बने हुए करीब 100 साल हो चुके हैं, उसमें कई सारी मौतें, अच्छा बुरा बहुत कुछ हुआ होगा। उसमें कोई बुरी आत्मा, हो सकता है वही रुक गई। हाँ बेटी। अच्छा तो मैं चलूँ? हाँ ठीक है फादर। मुझे आशीर्वाद दीजिए फादर। उस दिन जब मैं तुम्हारे घर आया तब मुझे एहसास हो गया था। अच्छा मैं चलता हूँ। क्या हुआ फादर, ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें क्रूज देता हूँ।
इसे अपने बेडरूम में सोते समय अपने तकिए के नीचे रख देना। जब तक ये तुम्हारे साथ है कोई दुष्ट आत्मा तुम्हारे पास नहीं आएगी, इससे तुम्हारी रक्षा होगी। ये लो, इसे संभाल के रखना। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। थैंक यू फादर। अब जाओ बेटी, हिम्मत से काम। ठीक है, हम चलते हैं फादर। हाँ। सारा सामान पैक करके रख लो। कार रेडी हुई राजा? हाँ रेडी हो गई है, आज ही उसने देने के लिए कहा था, बस वही लाने जा रहा हूँ। लेकिन तब तक यहाँ रहने में मुझे बहुत डर लग रहा है, हम जल्दी चले जाएंगे। हाँ दीपा, यहाँ एक एक मिनट रुकना हमारे जान के लिए खतरा है, फौरन इस घर को बेच के हमें यहाँ से जाना होगा। बस तुम तैयार रहना, मैं जल्दी ही कार लेके आता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, लेकिन रोजी, उस बेचारी का क्या होगा? पहले हम अपने बारे में सोचते हैं, उसके बाद रोजी के बारे में सोचेंगे, ठीक है? मैं चलता हूँ। जल्दी आ जाना। आ जाऊँगा, तुम डरना मत। कल टेस्ट है ना, तो उसके लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे भी बैठने दे। आ, बैठ जा। क्यों ढूंढ रही थी मुझे? कुछ नहीं, घर पर स्वीट रखी हुई थी, सोचा तुम्हें भी देख कर आऊँ। ये लो। ए, इतनी सारी स्वीट्स किस लिए? अरे तो खाना। ठीक है, तुम खा लो, मेरी माँ मुझे ढूंढ रही होगी, मैं चलती हूँ। बाय बाय। आज हम कौन सा खेल खेलेंगे पता है? भागकर पकड़ेंगे और मैं आउट हो गई हूँ। अगर मैंने तुम में से किसी को पकड़ लिया तो फिर वो हम में से किसी को पकड़ेगा। ओके ना? ओके ओके। क्या हुआ? सूरज ने मुझे धक्का दिया। ए, तूने रोजी को धक्का क्यों दिया? मुझे आउट किया इसलिए मैंने उसे धक्का दिया। वो मेरी फ्रेंड है, फ्रेंड को अपने घर पे रहा तो धक्का दे, ऊपर से झगड़ा कर रहा है। झगड़ा मत करो चंद्रू, नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात मानो, जान से मार डालूंगा, मुझसे पंगा लेता है तू, गया काम से। माँ मुझे 30 रुपये दो ना। देख मेरे पास पैसे नहीं है। माँ देना। माँ मैंने कहा ना मेरे पास पैसे नहीं है, कल दे दूंगी, जा प्लीज। माँ मुझे काम करने दे बेटा। 20 रुपये तो दे दो माँ, मेरी प्यारी। मेरी बात समझ बेटा, जरा यहाँ आना। ए रोजी, ये क्या कर रही है? ए चंद्रू, मुझे वो फूल तोड़ कर देना। ठीक है, जरा तो अभी ले। एक बार और कोशिश करो ना। अरे रुक ना। एक काम करो, मुझे उठाओ, मैं तोड़ती हूँ। हाँ ठीक है। अरे उठाओ। ठीक है, उठाओ ना। हाँ अरे थोड़ा सा और। अरे 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 ये क्या चंद्रू, तुम तो मुझे उठा भी नहीं सकते। लगता है तू कितनी भारी है। अंकल कहीं का? अंकल क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया। अंकल क्यों मार रहे हो? रास कर, मैंने कहा था ना मेरी बच्ची के साथ मत खेलना, तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे उठाने की?
राजा माँ इधर आ, तेरा बेटा यहाँ पे गुल खिला रहा है और तू उधर क्या कर रही है? ए सुन, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि तेरा बेटा मेरे बच्चे के साथ नहीं खेलना चाहिए और वो उसे उठा रहा है। समझता क्या है वो खुद को? तेरा पति मेरे बाप के जमाने से यहाँ काम कर रहा है, इस वजह से तुझे यहाँ काम पे रखा है, नहीं तो कब का भागा देता। अगर दोबारा मैंने तेरे बेटे को अपनी बच्ची के साथ देखा तो उसकी जान ले लूंगा मैं। Come here. How many times I told you not to play with him? इधर आ, उस बच्ची के साथ कभी खेलेगा? कभी खेलेगा? कितनी बार मना किया है मैं? सुनता क्यों नहीं? मुझे खेल रहा था उसके साथ। आज कभी खेलेगा? आज खेलेगा उस बच्ची के साथ? बता। देखा? अंचल तू। देखा? क्या हुआ? तुम्हें कितनी बार समझाया कि ये नौकरानी के बच्चे के साथ ना खेले, कहा था ना? लेकिन हुआ क्या? इसने क्या किया जो आप इतना गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? वो नौकरानी राजम्मा है ना, उस नौकरानी का बेटा पेड़ से फूल तोड़ने के लिए इसे ऊपर उठाता है और नीचे गिराता है। क्या अभी छोटे बच्चे हैं, खेलते खेलते नीचे गिर गए होंगे, तो इसमें बुरा क्या है? क्या छोटे बच्चे हैं? घर की दीवार में एक छोटा सा पौधा ही उगता है और जब पौधा बड़ा होता है तो दीवार में दरार पड़ती है, ये तुम याद रखना। अगर हम इस पर पाबंदी डालेंगे तो ये हमसे नफरत करने लगेगी। हमेशा जब भी मैं कुछ बोलता हूँ तो तुम मुझे समझाने की कोशिश करती हो। बात सुनो, तुम क्या करोगी क्या नहीं ये मैं नहीं जानता। अभी तुम्हारे बाप को बुलाऊंगा और इसे बॉम्बे भेज दूंगा। अब ये यहाँ नहीं रहेगी। और तो सुन, दोबारा अगर मैंने उस नौकरानी के बच्चे के साथ तुम्हें देखा तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। गो। ठीक है तो तू ही शुरू कर, ये ले अब पास कर ना। दे 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 दे, जल्दी दे। ए चंद्रू, क्या है? यहाँ आ जाओ। क्या बात है? आओ ना। ये ले, मैं भी आता हूँ। क्या बात है रोजी? मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए बम्बई भेज रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती चंद्रू। सच में? हाँ चंद्रू। रोजी तू मत जाना प्लीज रोजी। क्या मैं तेरे पिताजी से बात करूँ कि वो तुझे मुंबई ना भेजे? नहीं तुम वहाँ मत आना, डैडी तुम्हें बहुत मारेंगे। कल मैं खुद बात कर लूंगी। अरे क्या है माँ, तू आना। माँ चलना, तू मेरे क्या साथ चलना। पहले बता, तू आना। मेरा हाथ छोड़। क्या हो गया है तुझे? मुझे कहाँ ले जा रहा है तू? और बात क्या है पहले ये बता। माँ रोजी को मुंबई भेज रहे, तू चलना माँ, उसे रोक लेना माँ, तू चलना, चलना मेरे साथ। अरे वो उनकी लड़की है, वो उसे जहाँ चाहे भेज सकते हैं, मना करने वाले हम कौन होते हैं? ये मुझसे नहीं होगा। और तू भी उसे मा, जा। मा, 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 चलना। रोजी मेरी क्लोज फ्रेंड है माँ, उसे मेरे साथ ही रहने दो, चलो ना माँ। ए उसे क्या, तूने मंगलसूत्र पहनाया है जो वो तेरे साथ ही रहेगी? मंगलसूत्र पहनाने से साथ में रहेगी? हाँ। ए वो सब जब तेरी शादी हो जाएगी उसके बाद। अब जाकर तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा, खाल खींच लूंगी तेरी। अब जा। वो लोग मेरी रोजी को मुंबई भेज रहे हैं, तुम्हें ही कुछ भी करके उसे रोकना है, हमारी फ्रेंडशिप टूटे नहीं, ऐसा उसके पिताजी को समझाओ। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें नारियल चढ़ाऊंगा। ए मैं यहाँ हूँ, ये तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे घर गई थी, तुम्हारी माँ ने बताया। अच्छा हुआ तू आ गई। तू भी एक काम कर, भगवान से प्रार्थना करके वो तुझे मुंबई ना भेजे। चंद्रू हम लोग क्रिश्चियन हैं, हम लोग जीसस को मानते हैं, क्या भगवान से भी प्रार्थना कर सकते हैं? सारे भगवान हमारे दोस्त ही तो हैं, तो इस भगवान से कहेगी तो ये तुम्हारे भगवान को कह देंगे। चल हट जाओ। भगवान मुझे और चंद्रू को कोई अलग न कर पाए, ऐसा आपको ही जाकर जीसस को बताना पड़ेगा। हे भगवान कुछ ऐसा करो कि मेरी रोजी मुझसे अलग ना हो पाए। उसे क्या, तूने मंगलसूत्र पहनाया है जो वो तेरे साथ ही रहेगी? मंगलसूत्र पहनाने से वो साथ रहेगी? हाँ। मम्मा क्या हुआ, आप लोग मुझे बम्बई नहीं भेजेंगे ना? क्यों? ये देखो जब तक ये मेरे गले में है मुझे कोई बम्बई नहीं भेज सकता। अरे बाप रे, ये क्या, ये तुम्हारे गले में किसने बांधा? चंद्रू ने। चंद्रू ने उसने ये क्या कर दिया? मेरी बात नहीं मानी, देख लिया ना, कहा था ना इसे सर पे मत चढ़ाओ, हम देख तेरे प्यार ने क्या कर दिया। कहा है वो नौकरानी राजम्मा? ये क्या बोल रहे हैं आप? ए राजम्मा, राजम्मा क्या हमारी, इतने सालों तक घर में बैठा के खाना खिलाया, इसका ये सिला दिया? दस मिनट के अंदर तेरा बेटा यहाँ पे होना चाहिए, नहीं तो घर में ही माँ बेटे दोनों को चला दूंगा। जा। ए, अब यहाँ पे एक मिनट भी नहीं रुकेगी, कल ही मैं इसे बॉम्बे भेज दूंगा। यजमान जी, बड़े यजमान जी मुझे बचा लीजिए, बड़े यजमान जी कुछ भी करके हमें बचा लीजिए, मेरे बेटे से अनजाने में गलती हो गई है, उसके लिए मेरे बेटे को सजा भी दी गई है, मैं उसे समझाऊंगी अब से कोई गलती नहीं करेगी।
पड़ेगा। मुझे छोटे यजमान ने नौकरी से निकाल दिया है। मैं यहाँ किसी को नहीं जानती हूँ। छोटे यजमान से कहकर मुझे उस काम पर फिर से लगवा दीजिए बड़े यजमान जी। तूने मुझसे बोल दिया ना, मैं संभालूंगा, जा रो मत जा। मामा डैडी से कहो ना मुझे बम्बई ना भेजे, मुझे नहीं जाना। अब रोना बंद करो, मुझे यहीं रहना है प्लीज। रोते नहीं बेटा, डैडी मुझे नहीं जाना है बम्बई, मुझे यहीं रहना है। कुछ दिनों के बाद मैं तुझे ले आऊंगा बेटी। पिताजी ये तो रोती ही रहेगी, अब संभाल कर लीजिए। मैं इसकी देखभाल कर लूंगा पिताजी। ठीक है जा बेटी, आज जा अपने नाना जी के साथ जाएगी। मैंने कहा ना मैं तुम्हें बॉम्बे में आऊंगा, अगले हफ्ते जरूर आऊंगा। ए, क्या हुआ राजा माँ, रात के 11 बज रहे हैं और इतनी ठंड में तू बाहर बैठी हुई है। मैं क्या करूं भैया, मैंने अपने बेटे को सब जगह ढूंढ लिया लेकिन वो कहाँ कुछ पता नहीं चल रहा है। चिंता मत करो राजा माँ, छोटी पहाड़ी के पीछे रंगास्वामी नाम के एक तांत्रिक जी है, उनसे जाके मिल लो, वो बता देंगे बेटा कहाँ है। पूरे गाँव का भला करते हैं तो तुम्हारा भला क्यों नहीं करेंगे। अब रात बहुत हो गई है, अब तुम आराम से सो जाओ। सुबह होते ही सबसे पहले स्वामी जी से जाके मिल लो, वो तुम्हारे बेटे से तुम्हें जरूर मिलवाएंगे। अब रोना बंद करो और जाओ सो जाओ। भद्रकाली, हे रुद्रकाली, चामुंडेश्वरी, कलकत्ते वाली, राक्षसों का वध करने वाली हे महाकाली, दैत्यों का वध करने वाली हे महाकाली, दिव्य शक्ति वाली, अष्टभुजाओं वाली, देवियों की देवी हे महादेवी, दुष्टों को नष्ट करने वाली, उनका सर धड़ से अलग करने वाली, आ आ आ जा बहन। समस्या बता, उसके समाधान के लिए, तुझे शांति देने के लिए भद्रकाली तैयार है। बता तू यहाँ क्यों आई है। स्वामी महाराज, मेरा बेटा एकदम से पता नहीं कहाँ चला गया है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ उसे नहीं ढूंढा। अब आप ही मुझे बताइए स्वामी कि मेरा बेटा कहाँ है। समस्त संसार में, इस ब्रह्मांड में, बता वो कहाँ है। वो चंडेश्वरी मुंडेश्वरी, बता मुझे कि वो बच्चा कहाँ है। बहन देख अपने बेटे को। रोजी कहाँ गई, दिख नहीं रही है, सो गई है क्या। रोजी रोजी रोजी, अरे अरे कहाँ भागे जा रहा है, रुक मुझे अभी बता दे। आंटी मेरी बेटी के गले में तुम अपने सूत्र बांधेगा। अरे तेरी औकात ही क्या है, अरे तुम लोगों को यहाँ रहने के लिए हम लोगों ने जगह दी, तेरी पढ़ाई का खर्चा हम कर रहे हैं और तू ऐसी हरकत करेगा, तुझे छोड़ूंगी नहीं। एहसान फरामोश, मेरी बेटी के गले में तुम मंगलसूत्र बांधेगा, तेरी औकात क्या है। आंटी रेखा, तुम्हारे बेटी की आत्मा आस पास ही होगी। ये देखो इस अंगूठी में, तुम्हारी बेटी की आत्मा को वश में करके देता हूँ। ओम आकाश को भूमि के विधि अनुसार उस बच्चे की आत्मा इस अंगूठी में आ जाए। आत्माओं के देवता आ जा, उस आत्मा को यहाँ लेकर आ, आत्मा को यहाँ लेकर आ। मुझे छोड़ दो। संभाल कर ले जाकर तुम्हारा बेटा जहाँ मरा है वहाँ रख कर।
हर शुक्रवार के दिन दीपक जलाकर इसकी पूजा करके प्रार्थना करके आप उसे शांति मिलेगी, ठीक है? याद रहे इसका किसी को पता ना चले, अगर किसी ने भूल से भी इसे पहन लिया तो उसकी आत्मा उसके शरीर में चली जाएगी, उसके बाद उसे कोई वश में नहीं कर पाएगा। ये आत्मा किसी का भी नुकसान कर सकती है, इसीलिए तुम्हें होशियार रहना होगा, समझ गई? ये लो, इसे संभाल कर रखना। क्या हुआ था अब तो तू जान गई ना? तुम लोग ना तो इस बंगले को बेच सकते हो और ना ही तुम में से कोई यहाँ से जिंदा बच कर जाएगा। यहाँ पर तुम सब एक एक करके मरोगे। मेरे बेटे के मरने के बाद मैं पहली बार किसी से बात कर रही हूँ। अंदर क्या हो रहा है तू जाकर अपनी आंखों से देख जा। डॉक्यूमेंट्स हैं, ये होंगे तभी ये घर बेच पाएंगे, और तू इन्हें जला रहा है? तुम पागल हो गए हो क्या? मेरी रोजी का घर बेचने के लिए आए हो? हा? मैं बिकने नहीं दूंगा, सबको मार डालूंगा। ये राहुल, ये क्या बोल रहे हो? ये घर ना बिक पाए इसीलिए जला रहा हूँ, एक एक करके सबको मारूंगा। ए? सबसे पहले तुझे मारूंगा। जल्दी से प्लीज हमारे घर आ जाइए। फादर, फादर, मेरे बचपन का एक दोस्त था चंचू, उसकी मौत इस बंगले में हुई थी, और अब उसकी आत्मा राहुल के शरीर में घुसकर हम सबको मारने की कोशिश कर रही है। ये तुम क्या बोल रही हो? क्या हुआ दीपा, क्या हुआ? ठीक है, तुम डरो नहीं, मैं अभी पहुँचता हूँ। राहुल नहीं है, वो भूत बन गया है, मुझे मारना चाहता है, मुझे छोड़ना चाहता है। सबको मार दूंगा उसको जाने के लिए, बोल सिर्फ कुछ मत करना, जाने के लिए बोल उसे। नहीं,
रोजी। सो राजा क्या तुम्हारे गोली मत चलाना। नहीं प्यार से सहानुभूति नहीं रखती है। जल्दी उसे गोली चलाओ। रोजी प्लीज आई से शूट हिम। प्लीज शूट दे। रोजी कुछ मत सोचो। प्लीज बात मान। शूट दे। शूट दे आई से। I'm sorry.
तो मैंने ही मांगे हो पागल। मेरे अपने राहुल को अपने ही हाथों से मार दिया। Don't cry my child, don't cry। इसे तुमने नहीं मारा, ये विधि का विधान है। मनुष्य केवल आशा करता है, उसका साकार होना ना होना परमेश्वर के हाथ में है। दोस्ती और प्यार, ये वो खजाना है जो कभी मिटता नहीं। लक्ष्य दोस्ती से अलग नहीं होता और ना प्यार को कोई मार सकता है। इनका प्यार भी बिल्कुल वैसा ही है। बेशकीमती ये बंगला और बेशकीमती इनका ये प्यार, दोनों को कुछ नहीं हुआ। और ये रोजा महल एक प्यार का तोहफा है।